एक्स प्रेसिडेंट वो प्रोफेसर विशन साहब को बुके दे प्लीज। प्रोफेसर विशन साहब पिछले 40 साल से स्कूलों की खदमत करते आए हैं, मैं अपनी तरफ से और अपनी पूरी टीम की तरफ से उनको तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। Any, I will count up to 10. If there is any other name whom you want to recommend for the post, it's welcome. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So, I will give you one I congratulate on my part, I congratulate Dr. Chaudhary sir for being an unopposed president of the board. It's been really easily done. I was fortunate enough to get the things done very easily and unanimously. So our unanimous president is Mr. Chaudhary sir. Give him a free hand. New incumbent, Chaudhary takeover किया जाएगा। I have challenged that as a producer. Bus pieces का जो 2019 में refixation committee कहती है कि 2019 मैं 12% चला के as a producer I have challenged that. I have not waited for the meeting. मैं लेकिन एक चीज में बात बार क्लियर से अगर हम गवर्नमेंट के पास भी जाते हैं कि मेरे हिसाब से गवर्नमेंट भी कुछ नहीं कर सकती। फॉर एग्जाम्पल हमारा जो 2000 होम मिनिस्ट्री ने हमारा 2002 के एक्ट में अमेंडमेंट्स ला के सारे इख्तियार चेयरमैन की फिक्सेशन कमेटी को सौंपे हैं, हमें वो चैलेंज करना है। आपने देखा हमारी जो अनएडिड जेके प्राइवेट स्कूल कोऑर्डिनेशन कमेटी है, इसमें 482 मेंबर्स हैं और मैंने अपना एक टर्म पूरा कर लिया था 3 साल का। अब ये दोबारा आज मैं तो चाहता था कोई और प्रेसिडेंट अब आए और इसकी बात दौर संभाले, लेकिन हमारे मेंबर्स ने कहा कि नहीं आपको हम एक टर्म के लिए और लाना चाहते हैं। तो ठीक है, आप उनका एक मेरे पे फेथ है तो मुझे लगा कि मुझे उनके लिए आना चाहिए। और ये अभी इस वक्त जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारे जो गवर्नमेंट है स्कूल प्राइवेट स्कूल हैं और पेरेंट हैं ये अलग अलग पेज पे, तो मेरी सबसे पहले कोशिश होगी कि इनको एक पेज पे लाया जाए। अगर गवर्नमेंट की कुछ जो चीज़ें हैं रिजर्वेशन है उनको क्लियर किया जाए, क्योंकि हम चाहते हैं कि तीनों मिलके गवर्नमेंट भी पेरेंट्स भी और स्कूल वाले अपने एजुकेशन सेक्टर को हम आगे लेके जाएं और हमारे बच्चे एक अच्छी एजुकेशन हासिल कर सकें, उसके लिए हमारा ये काम होगा। और छोटे स्कूलों के लिए मेरा प्रायोरिटी होगी कि उनके लिए बड़ी मुश्किल हैं, उनके लिए जो नए नए कानून निकाले जा रहे हैं चाहे वो लीज़ के बारे में है चाहे वो दूसरी चीज़ों के एनओसीज़ के बारे में, उनको पैरामीटर चेंज किए जाए। ये नहीं हो सकता कि एक 5-स्टार स्कूल की तरह आप बहुत बड़े स्कूल को भी वही पैरामीटर आप रखें और एक छोटे स्कूल के लिए भी वही पैरामीटर हो, चाहे वो टैक्स के बारे में है, अगर म्यूनसिपल टेस्ट है टैक्स है हमारा, तो ऐसा नहीं है कि आप बहुत बड़े स्कूल से भी 30,000 लेंगे और छोटे स्कूल से भी। तो हम चाहते हैं गवर्नमेंट अपना रेवेन्यू भी ले लेकिन इसको चेंज करें, बड़े स्कूल के लिए ज़्यादा होना चाहिए छोटे स्कूल के लिए कम होना चाहिए। और हमारी रजिस्ट्रेशन है वो रुकी हुई है, अगर बोर्ड में जाती हैं वो 2-3 साल तक क्लियर नहीं होती जब तक वो एनओसी का पीरियड ही ख़त्म हो जाता है, तो ये भी हमारी कोशिश होगी। सर ये है देखिए, हमें हर किस्म के स्कूल चाहिए, अच्छे स्कूल भी चाहिए, बजट स्कूल भी चाहिए, छोटे स्कूल भी चाहिए, क्योंकि अलग अलग जो आजकल कोई भी चीज़ है वो तीनों टाइप की होती है। अब हमारा आज एजुकेशन सिस्टम उस पैटर्न पे नहीं है, ये उस बुलंदी पे नहीं है जैसा इसको होना चाहिए था। आपने देखा कश्मीर के हालात भी ख़राब रहे, उसके बाद कोविड ने यही से कसर, तो हमें अपने अगर तरक्की करनी है स्टेट को तो हमें अपने एजुकेशन सिस्टम को बेहतर करना है, बच्चों के लिए नई राहें खड़ी करनी है ताकि वो अच्छी तालीम कश्मीर में ही हासिल कर सकें। हमारे स्कूल अच्छे होने चाहिए, हमारे प्रोफेशनल कॉलेज होने चाहिए, हमारे दूसरे जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर होनी चाहिए ताकि बच्चों को बाहर ना जाना पड़े। वो यहाँ यह था
कि कश्मीर जो हिल स्टेशन होते हैं आपने देखा होगा आम तौर पे वहाँ बड़ा एजुकेशन हब होते हैं, इंडिया में ले लें या बाहर ले लें। तो हम चाहते हैं कि जिस तरह हम यहाँ पे टूरिस्ट स्टेट बना रहे हैं तो हमारा एजुकेशन हब होना चाहिए, ताकि एजुकेशन के लिए बाहर के बच्चे यहाँ आएँ। अब तो हालात भी ठीक है माशाल्लाह, कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, तो यहाँ पर एक वेदर हमारा अच्छा है, हमारे गर्मी नहीं होती है और सर्दियों में वैसे छुट्टियाँ। तो हम चाहेंगे यहाँ पर बाहर से हमारा पैसा भी यहाँ आए, इंटरनेशनल लेवल का यहाँ हब बनना।